हर आदमी दुनिया में मकसद लेकर आता है और वो अपने मकसद में सफल होना चाहता है। इसके लिए समय समय पर अनेक विचारकों और दर्शन शास्त्रियों ने सफल होने के लिए सूत्र बनाए हैं। स्टुअर्ट मॉर्डन भी ऐसे ही एक चिंतक हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस यानी सफलता की सीढ़ियां में कुछ बिंदु बताए। वो कहते हैं, शोर शराबे और भागम भाग के बीच शांत रहो और याद रखो कि मौन में कितनी शांति। जहां तक संभव हो बिना समर्पण के सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखो। अपने सत्य को शांति और स्पष्टता के साथ बोलो। दूसरों की बात सुनो, चाहे वे कितने ही उबाऊ और अज्ञानी क्यों न हो, क्योंकि उनके पास भी सुनाने के लिए अपनी बातें हैं। बड़ बोले और आक्रामक लोगों से बचकर रहें। अगर आप अपनी तुलना दूसरों के साथ करेंगे तो आप घमंडी और कटु हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपसे बड़े और छोटे लोग होंगे। अपनी सफलताओं और योजनाओं का आनंद लें। अपने काम में रुचि रखें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अपने व्यवसाय के मामलों में सावधान रहें, क्योंकि दुनिया में चालबाजी बहुत है। परंतु ये भी याद रखें कि यहां पर ईमानदारी भी बहुत है। अपनी बढ़ती उम्र की सलाह को अच्छी तरह से लें और सम्मान के साथ युवावस्था की चीजों को समर्पित कर दें। अचानक आने वाले दुर्भाग्य से खुद को बचाने के लिए आत्मा की शक्ति का विकास करें, परंतु निरर्थक कल्पनाएं करके खुद को परेशान भी न करें। अधिकांश डर और थकान अकेलेपन और अनुशासन की कमी से उत्पन्न होते हैं। खुद के प्रति नम्र रहें। आप ब्रह्मांड के बच्चे हैं, उसी तरह जिस तरह वृक्ष और सितारे हैं। ब्रह्मांड उसी तरह से प्रकट हो रहा है जिस तरह से इसे होना चाहिए। इसलिए ईश्वर के साथ शांति स्थापित करें। आपकी मेहनत और आकांक्षाएं जो भी हों, जीवन में शोर शराबा और दुविधाएं कितने भी हों, अपनी आत्मा के साथ शांति स्थापित कर लें। जीवन में धोखा है, बोझ है, टूटे सपने हैं, लेकिन बीच में ही खुशियां भी हैं। इसलिए खुश रहने की कोशिश करें। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।